सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। सो आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के बारे में स्टूडियो में बात करेंगे कि आखिर किस टाइप का आपका पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या आपका लेवल यहाँ पर रहा है। तो इसी के बारे में स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। आपको यहाँ पर पार्ट देखने को मिलेंगे, लास्ट में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें एक हिंदी का और एक इंग्लिश का पार्ट रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट अच्छा है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आपको कौन से सब्जेक्ट में या फिर कौन से पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ये आप बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप जो है पाइप और नल से एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। मतलब एक क्वेश्चन का कहने का मतलब आप उसको जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि आपके एक क्वेश्चन वहां पर आ रहा है पाइप एंड नल से। एग्जाम के शिफ्ट जो था उसमें एक क्वेश्चन आया था। अभी बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आपके आते हैं। साथ में आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और मैथ के अंदर। तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हम कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस जो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में तो रीजनिंग आपका एकदम से सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन से टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिलेंगे। साथ ही में पासा जरूर पढ़ के जाना क्योंकि पासा से आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 में से दो क्वेश्चन पासा के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है पाइप एंड क्रिस्टल से आ रहा है। साथ में आपको जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि दोस्तों नंबर सिस्टम भर भर के दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, सारे के सारे नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसी के साथ में ब्लड रिलेशन से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन था। मतलब कि आप ब्लड रिलेशन आपका चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वहां पर भी आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन था। तो आप जो है इसे सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं जीएस के बारे में कि आपका जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो किस तरीके का आ रहा है। तो देखिए, करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन सिर्फ एक या दो क्वेश्चन। 2020 का जितना है उतना पढ़ के जाइएगा। 2020 का 2020 से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही में 2019 से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, दो क्वेश्चन 2019 के थे। और 2020 की जो अगर मैं कहूं कि मतलब 2020 चल रहा है इसकी जो करंट अफेयर है वो पूरी पढ़ जाना भाई, इसमें से आपका 101% जो है बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। साथ ही में जीएस की बात करूं तो हमारी जो क्वेश्चन है मतलब इससे हो गया। और हाँ, इसके साथ साथ में आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइंस आप जो है अच्छे से रीड करके जाइएगा। साइंस में आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े जीवों के बारे में या फिर जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई घटना हुई है तो दिल्ली से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को जरूर रीड करके जाना। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए गुजरात में कोई घटना हुई है तो गुजरात के पुराने क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो गुजरात से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो है आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। साथ साथ मैं बात करूं, अब मैं यहां पर हमारी रीजनिंग की हो गई और सामान्य ज्ञान की हो गई, अब मैं बात करता हूं हिंदी और इंग्लिश से। तो हिंदी बहुत मतलब सिंपल सी हिंदी आ रही है अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं। और इंग्लिश में भी मैं जब मतलब कैंडिडेट से पूछा था तो वो भी कह रहे थे कि मतलब बहुत सिंपल सिंपल इंग्लिश पूछी जा रही है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके लिए जो है मतलब ये देखिए, अब सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको मैथ मैथ में मैं आपको बता दूं कि मैथ में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी। और मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको जो है क्रेमिक बट्टा जरूर पढ़ के जाना है। साथ ही में ब्याज पढ़ के जाने हैं, मूलधन पढ़ के जाना है, ये सारे के सारे जो होते हैं SICP वगैरह ये सारी की सारी पूछी जा रही है वहां पर। और आपको बट्टे जरूर पढ़ के जाने हैं क्योंकि बट्टे से करीब आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट्टा में मतलब 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही में ब्याज के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, साधारण ब्याज के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर आप मैं बोलूँ कि यहाँ पर भी आपको जो है अलग अलग लगभग एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ रहा है। तो आप जो है मैथ भी लेकिन ऐसा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है कि आप मतलब मैथ को क्लियर ना कर पाए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही में जो एज का रेशियो होता है तो रेशियो आप अच्छे से पढ़ जाना, रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ हिंदी से तो हिंदी में तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब विशेषण पढ़ जाना, साथ ही में जो है संज्ञा पढ़ जाना और
कुछ ये जो प्रत्यय अनु प्रत्यय वगैरह है ये पूछे जा रहे हैं, उपसर्ग वगैरह पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था। मुझे अब भी याद है कि मेज, टेबल, कुर्सी और बकरी, इनमें से भिन्न कौन सा है, ये हिंदी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर यहाँ पर कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाए तो 80-85 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लगा आप सभी के लिए। नॉर्मलाइजेशन का ध्यान जरूर रखना, नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर जो है डिफेक्ट करेगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर प्रभाव डालेगी। साथ ही में दोस्तों आपका जो है, या अगर आप नेगेटिव मार्किंग को ज्यादा करके आते हैं या फिर नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस करके आते हैं, तो देखिए आपका पेपर में कोई नंबर कटेगा, साथ साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग जो आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा वहां पर भी नंबर काट लेगा। तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग का तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो ये आपका जो है SSC GD का एनालिसिस था। कट ऑफ आपकी जो है 85 प्लस या फिर 80 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं या फिर जो है आपके स्कोर के बाद देखते हैं कि आपके क्या अंदाजा रहा है कि अबकी बार क्या कट ऑफ जा सकती है। मेरे को तो लगता है कि 90 के आसपास आपकी अबकी बार जो है कट ऑफ रहेगी, जिस हिसाब से पेपर को देख करके किया जा रहा है। 5-10 क्वेश्चन आप जो है गलत तो नहीं करोगे, लेकिन आप उनको छोड़ सकते हो। इस टाइप का पेपर आ रहा है कि आप गलत नहीं करोगे, बस उनको छोड़ सकते हो, इस टाइप का पेपर आपका आ रहा है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आगे आने वाली एग्जाम्स में आप जो है बेटरीन जो है प्रिपरेशन करके जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।